नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस बोर्डकैट में। तो दोस्तों, सीटेट के लिए यहाँ पर सीडीपी की सीरीज चल रही है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं प्याजी वाइगोत्स्की कोहलबर्ग से रिलेटेड 125 से भी ज्यादा क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, 125 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम करने वाले हैं प्याजी वाइगोत्स्की कोहलबर्ग इन तीनों की तीनों थ्योरी से रिलेटेड। ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि अगर आप ये 125 क्वेश्चंस देख लेते हैं तो इसके अलावा आपको इन टॉपिक की प्रिपरेशन कहीं और से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। आपको एग्जाम में इन्हीं में से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पक्का गारंटी के साथ यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। बस शर्त ये होगी कि ये 125 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ कर क्लियर करेंगे, और समझाने की गारंटी हमारी है कि इतने इजी तरीके से समझाया जाएगा कि आपको कुछ भी चीज रटने की जरूरत ना पड़े और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। सारे कंफ्यूजन्स को दूर किया जाएगा और बहुत ही मजे में किया जाएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ किया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका एटलीस्ट प्यारे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग की टेंशन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए, और सीटेट की सीडीपी में 5 से 6 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल कहीं नहीं गए, 5 से 6 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। 30 out of 30 का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं सीडीपी में, उसी के अकॉर्डिंग आपके हर एक टॉपिक को बहुत ही आसानी से क्लियर किया जाएगा। ये वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको क्वालिटी भी पता चल जाएगी, क्वांटिटी भी पता चल जाएगी, उसके बाद आपको जैसा भी फीडबैक रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 है आपके सामने। अडेप्टिंग वंस करंट अंडरस्टैंडिंग इन कॉर्पोरेट स्कीमा इज कॉल्ड, यानी कि किसी की वर्तमान समझ में हम कुछ नई समझ को शामिल कर रहे हैं, कुछ नई समझ हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एकोमोडेशन कहेंगे, एसिमुलेशन कहेंगे, स्कीमा कहेंगे या स्क्रिप्ट कहेंगे? तो देखिए दोस्तों, ये आपके पियाजे की थ्योरी ने दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पियाजे की थ्योरी में देखें तो इन्होंने 3 तरह के मेन मेन शब्द दिए थे। एसिमिलेशन, ठीक है, एक तो हो गया आपका एसिमिलेशन हो जाता है, एक आपका इक्विलिब्रेशन डिसइक्विलिब्रेशन, और एक आपका एकोमोडेशन। इक्विलिब्रेशन डिसइक्विलिब्रेशन से क्वेश्चन शायद ना के बराबर ही आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं? एसिमिलेशन से और एकोमोडेशन से। तो एसिमिलेशन एकोमोडेशन क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं ताकि वो क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चंस को क्लियर करते हुए चलेंगे, कुछ भी चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सेशन के बाद। तो देखिए, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम इसको कहते हैं आत्मसातीकरण, आत्मसात करना। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी नई नॉलेज को, किसी भी नई इंफॉर्मेशन को एज इट इज उसको अपना लेते हैं, बिना उसमें कोई चेंजेस किए, बिना सोचे समझे, बिना कोई तर्क वितर्क करे, हम कोई भी नई जानकारी को एज इट इज अगर हम अपना ले, उसको मान ले, तो वो हमारा एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण कहलाता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, एड ऑब्जर्विंग समथिंग इनटू प्रेजेंट स्कीमा, यानी कि कुछ नई स्कीमा में या प्रेजेंट स्कीमा में कुछ नया स्कीमा हमें ऐड करना है बिना कुछ सोचे समझे, एज इट इज। अगर क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको ये वर्ड ध्यान रखने होंगे, कीवर्ड्स हैं, कि अगर कहीं भी एज इट इज आए कि भाई हमने बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन को या इन्फॉर्मेशन को एज इट इज अपना लिया विदाउट एनी चेंजेस, बिना किसी चेंजेस के, भाई कोई चेंजेस नहीं किए, कोई हमने लॉजिक नहीं लगाया, कोई ज्यादा सोचा समझा नहीं है, किसी हमने अपनी करंट सिचुएशन को, करंट स्कीमा को कुछ भी शामिल नहीं किया, तो वो हमारा सिमुलेशन कहलाएगा। इसके जस्ट अपोजिट आता है आपका अपोजिट एकोमोडेशन, एडजस्टमेंट ऑफ प्रेजेंट स्कीमा, यानी कि यहां पर हम एडजस्ट कर रहे हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, यानी कि जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन, जब भी कोई नई जानकारी को हम अपनी स्कीमा में डालते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एडजस्ट करके, कोई ना कोई चेंजेस करके, ठीक है, प्रेजेंट स्कीमा को भी हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं, कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ एडजस्ट करते हैं, तब हम उसमें अगर कोई नई इंफॉर्मेशन को अपनाए, नई जानकारी को अपनाए, तो वो हमारा एकोमोडेशन कहलाता है। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर करनी है, सबसे शॉर्ट तरीका कीवर्ड्स की बात करें तो एकोमोडेशन में अगर क्वेश्चन में आपका कहीं आए कि हमने चेंजेस किए हैं, कुछ हमने कहीं कुछ चेंजेस किए हैं, हमने अगर कुछ एडजस्ट किया है, तो वो आपका एकोमोडेशन कहलाएगा। हमने प्रेजेंट स्कीमा में कुछ ना कुछ एडजस्ट किया है या प्रेजेंट स्कीमा को हमने शामिल किया है, तो वो हमारा एकोमोडेशन कहलाएगा। और अगर हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया, तो वो हमारा एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहाँ पर क्या कहा कि अडेप्टिंग वंस करंट अंडरस्टैंडिंग, आपकी आज की समझ को शामिल करते हुए कुछ हमने नया स्कीमा अपनाया है, तो वो क्या कहलाएगा? हमने आज की समझ को, अपने स्कीमा को शामिल किया है, उसमें इन्वॉल्व किया है, ठीक है ना। तो हमने एज इट इज उठाकर कुछ भी नहीं रखा है कि हमने एज इट इज उठाकर उसमें एड कर लिया, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? बिल्कुल सही, ए ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा, एकोमोडेशन यानी कि समवस्टीकरण।
आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एसिमिलेशन एकोमोडेशन के बीच में अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह रही हो तो अभी वेट कीजिए, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उनमें आपका बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेने का है, जो भी डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, उन डाउट्स को भी सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने अपने करंट स्कीमा में, करंट स्कीमा को शामिल करते हुए कुछ ना कुछ नया स्कीमा ऐड किया है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत एडजस्ट किया होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस किए होंगे, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया होगा, सोचा विचारा होगा, तर्क वितर्क किए होंगे, तब जाकर ऐड किया होगा, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन, समवस्टीकरण जिसको हम हिंदी में कहते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्याजी कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज, यानी कि जो प्याजे थे उन्होंने चार स्टेजेस बताई थी, तो इन्फेंसी की स्टेज को उन्होंने क्या बताया, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या सेंसरी मोटर। फॉर्मल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और सेंसरी मोटर स्टेज संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेज है जो प्याजे ने इन्फेंसी स्टेज को बताया था, ये आपको बताना है। अगर आपने पियाजे की थ्योरी को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई टेंशन नहीं है, हम यहाँ पर हैं, आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर ये आपकी पियाजे की स्टेजेस थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति का किस तरीके से होता है, तो उस चीज को लेकर कुछ स्टेज दी थी, जो कि ये सबसे पहले इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज कहा था, यानी कि संवेदनात्मक गामक अवस्था, ऐसी स्टेज जो कि जन्म से 2 साल तक की होती है, जन्म से 2 साल यानी कि इन्फेंसी एज। तो यहीं से ही हमारा आंसर मिल गया कि इन्फेंसी एज को पियाजे ने क्या नाम दिया था, सेंसरी मोटर स्टेज। आंसर में हम देखते हैं कहाँ है फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा। तो आई होप ये आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन आपका इसका राइट जाएगा। यहाँ पर बाकी स्टेजेस भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट थी उन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि थी 2 से 7 साल तक, कॉन्क्रीट ऑपरेशन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की, और लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। आप इनके चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट से बेटर मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप एक पेन डायरी लेकर बैठे, और डायरी पर जो जो इस तरीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप उससे एक्टिव रहेंगे, बोर नहीं होंगे, और आपका नोट्स के नोट्स तैयार हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे तो क्या होता है कि मोबाइल में वो पड़े रह जाते हैं, उनको पढ़ने का रीड करने का टाइम भी नहीं मिल पाता, नोट्स रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो रिविजन होता रहेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, ये रहा आपके सामने कंसिडरिंग पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि हमने पियाजे की थ्योरी को ध्यान में रखकर इसका आंसर देना है। एकोमोडेशन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, यानी कि एकोमोडेशन का मतलब क्या है, इन्होंने समवस्टीकरण का मतलब पूछा है कि पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग समवस्टीकरण का, एकोमोडेशन का सही मतलब क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हुए ऊपर, और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट जाएगा एकोमोडेशन के लिए वो हमें बताना है। तो आप बताइए आंसर, तब तक मैं एक एक ऑप्शन को पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि कौन सा ऑप्शन जाएगा। देखिए सबसे पहला है एस्टैब्लिशिंग अ मैच बिटवीन द प्रेजेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड द अराइजिंग नीड्स ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि हमारा जो अब का वर्तमान प्रेजेंट स्कीमा है, वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना है, और पर्यावरण की जरूरत है, उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित कर। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग अ बैलेंस बिटवीन द प्रीवियस एंड न्यू कॉग्निशन, यानी कि हमारी पुरानी समझ और आज की समझ में तालमेल बैठाना। या नेक्स्ट है थर्ड अरेंजिंग द परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव नॉलेज इनटू अ मीनिंगफुल पैटर्न, यानी कि अवधारणात्मक और संज्ञानात्मक ज्ञान को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। और फोर्थ है आपका ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट टू द न्यू वेज ऑफ बिहेविंग एंड थिंकिंग बाय मॉडिफाइंग प्रेजेंट स्कीमा स्ट्रक्चर, वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करके व्यवहार और सोच के नए तरीकों को आवश्यक समायोजन में लाना। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अकोमोडेशन को सही तरीके से बताता है। तो देखिए अकोमोडेशन की अगर डेफिनेशन पर हम वापस जाए तो मैंने आपको बताया था कि कुछ कीवर्ड्स है, जैसे कि हम अपने प्रेजेंट स्कीमा में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, एडजस्ट करना, चेंजेस करना, या इसी में एक वर्ड आ जाएगा मॉडिफाई करना। अगर हम उसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें सुधार करते हैं, इम्प्रूव करते हैं उससे, ठीक है ना, इम्प्रूव करते हैं, तो ये हमारा एकोमोडेशन कहलाएगा। और यहाँ पर देखते हैं कि कहीं ऐसा कुछ वर्ड दिख रहा है क्या, बिल्कुल सही आपको दिख गया होगा ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या बताते हैं कि हमें यहाँ पर अपने प्रेजेंट स्कीमा को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यानी कि आज की जो हमारी समझ है
उसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, तब जाकर कुछ ना कुछ नए स्कीमा को जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो यही हमारा एकोमोडेशन भी कहलाएगा। बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दी जाएंगे आप बीच बीच में, लेकिन हमेशा क्वेश्चन को जरूर पूरा पढ़े। टाइम कम है, एंड है, तब तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, कोशिश करिएगा कि आप क्वेश्चन के सभी पॉइंट्स को, सभी ऑप्शंस को एक बार जरूर देख ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में या जल्दी जल्दी के चक्कर में हम पूरा आंसर क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते और गलत आंसर दे देते हैं आंसर को आते भी। तो ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी। देखिए एनवायरमेंट से तो कोई रिलेशन नहीं था एकोमोडेशन का। एकोमोडेशन का तो मतलब सिर्फ स्कीमा था कि हमारे प्रेजेंट स्कीमा में नए स्कीमा को एडजस्ट करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो एनवायरमेंट से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर नेक्स्ट में क्या कहा कि हम प्रीवियस और न्यू कॉग्निशन में बैलेंस बिठाते हैं। ये एक बार को आपका ऑप्शन हो सकता था, तो इसको अगर हम होल्ड पे रखे तो। नेक्स्ट, अरेंजिंग द परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव नॉलेज इनटू मीनिंगफुल पैटर्न, कि हम जो परसेप्शन है हमारी, जो हमारी सोच है उसको, और जो हमारी समझ है, उनके बीच एक पैटर्न बैठाते हैं, तो ये भी चीज आपकी नहीं जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका है जो सबसे बेस्ट है। सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन कहीं ना कहीं दोनों मैच होते हैं, लेकिन हमें क्या है क्वेश्चन में क्या कहा है, बेस्ट डिस्क्राइब करना है। तो बेस्ट में आपका यही आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम अपने बिहेवियर को भी तो चेंज करते हैं थोड़ा बहुत, अपने अपने प्रेजेंट स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं, चेंजेस करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लॉजिक लगाते हैं, तब जाकर हम उसको अपनाते हैं। तो ये हमारा एकोमोडेशन की सबसे बेस्ट डेफिनेशन हो जाएगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन के क्या जाएगा। 125 क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जाएंगे, और उन्हीं में से आपका पूरा पियाजे थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, पियाजे की, वाइगोस की, कोहलबर्ग की, तीनों थ्योरीज में से जो भी कोई क्वेश्चन आएंगे वो आपको इन्हीं 125 क्वेश्चन में से मिल जाने वाले हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, कोहलबर्ग्स प्री मॉरल लेवल इज, यानी कि कोहलबर्ग ने जो अपनी मॉरल लेवल की जो थ्योरी दी थी, नैतिक सिद्धांत जो दिया था, उसके अकॉर्डिंग आपको प्री मॉरल लेवल बताना है, यानी कि पूर्व नैतिक स्तर के अंदर क्या था। कंट्रोलिंग ऑफ चाइल्ड्स मोरालिटी बाय द फियर ऑफ पनिशमेंट, यानी कि बच्चे की मोरालिटी को, बच्चे की नैतिकता को हम सजा के डर से कंट्रोल कर रहे थे कि भाई तुम ये काम करो नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। कंट्रोलिंग ऑफ चाइल्ड्स मोरालिटी विद अ व्यू टू सिंक्रोनाइजिंग द प्रीवियस कॉग्निशन विद द करंट कॉग्निशन, यानी कि हम बच्चे की वर्तमान अनुभूति के साथ पिछले संज्ञान को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं ताकि बच्चे की नैतिकता को नियंत्रित कर सके। इनेबलिंग द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मोरालिटी, यानी कि शुरू में ही हम बच्चे का ये इनेबल कर देते हैं कि वो मोरालिटी के, नैतिकता के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझ सके। None of the above, यानी कि ऊपर में से कोई भी नहीं। तो अगर किसी ने कोहलबर्ग की थ्योरी को समझा होगा, पढ़ा होगा, तो वो तो आंसर आराम से दे देंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी फटाफट करके बताइए। और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए आइए कॉन्सेप्ट्स पर चलते हैं, और कोहलबर्ग की जो उन्होंने स्टेजेस दी थी उस पर हम चलते हैं। देखिए क्या स्टेजेस कोहलबर्ग ने दी थी, वहां पर हम पहुंच जाते हैं डायरेक्ट कोहलबर्ग की स्टेजेस पर। ये रहा, देखिए कोहलबर्ग ने यहाँ पर तीन लेवल दिए थे। क्या लेवल दिए थे? तीन लेवल दिए थे, लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री। वन में इन्होंने कहा था प्री कन्वेंशनल या प्री मोरल लेवल भी इसको कह सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। तो प्री लेवल के दो स्टेप्स थे। स्टेप वन में क्या था कि बच्चा के सिर्फ और सिर्फ आज्ञाकारिता और सजा के डर से काम करता है, कि जो पेरेंट्स ने कह दिया बस पेरेंट्स की बात को फॉलो करना है तो बच्चा उस काम को कर लेगा। किसी काम को कहा जाए कि ये काम नहीं करना तो बच्चा उस काम को नहीं करेगा। या दूसरा होता था कि पनिशमेंट, कि बच्चे को पनिशमेंट का डर है कि अगर ये काम करा तो मम्मी जाके मारेगी, तो वो उस काम को नहीं करता था। इस काम को करने से मम्मी नहीं मारेगी, उस काम को कर लेता था। तो पहले स्टेज में बच्चे की खुद की कोई समझ नहीं होती, खुद की कोई नैतिकता नहीं होती कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसको इतनी नॉलेज, इतनी समझ नहीं होती। उसे जैसा पेरेंट्स कहेंगे उसके अकॉर्डिंग वो उस काम को करेगा, या थोड़ा सा डर के काम कारण वो जो है अपने डिसीजन को ले सकता है। स्टेप टू में आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि बच्चा ये करता है टिट फॉर टैट वाली बात, कि तुमने जैसा मेरे साथ करा वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा। या दूसरी चीज, वो अपना फायदा देखने वाला लगता है कि अगर मैं ये काम को कर रहा हूँ तो इसमें मेरा क्या बेनिफिट है। तो ये चीजें आ जाती है इसी तरह के, आगे नेक्स्ट एक एक लेवल करके बच्चा की जो मोरालिटी है वो बढ़ती जाती है। उनको हम बाद में देखेंगे, अभी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें पता लग गया कि प्री मोरल लेवल में बच्चा दो ही तरीके से काम करता है, एक तो पनिशमेंट और ओबे की, उससे कि को सिर्फ ओबे करना है, पेरेंट्स की बात को फॉलो करना है, या उसको पनिशमेंट का डर है, या तीसरा यह है कि टिट फॉर टैट, जैसा आपने मेरे साथ किया वैसा मैं आपके साथ करूंगा, या इसमें क्या आ जाएगा कि अगर मैं काम कर रहा हूं तो उसमें मेरा क्या फायदा है। अब देखते हैं कि इनमें से ऑप्शन में आपको क्या मिलता है। देखिए प्री मोरल लेवल में बच्चे की मोरालिटी को, बच्चे की नैतिकता को कंट्रोल किया जाता है पनिशमेंट से, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद के तीनों ऑप्शन आप पढ़कर देख सकते हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि प्री मोरल लेवल का हो।
तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द ऑप्टिमल डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे, यानी कि पियाजे के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन की बिल्कुल बेस्ट जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी। टू सेव द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू बी यूज, यानी कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि यूज करने के लिए अवेलेबल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सेव करना। टू सेव द इंटेंजिबल रिसोर्सेज, जितने भी इंटेंजिबल रिसोर्सेज हैं उन सबको ज्यादा से ज्यादा सेव करना। टू रियलाइज ऑब्जेक्ट टू बी सेम इवन व्हेन दे आर टर्न्ड अराउंड और मेड टू लुक डिफरेंट, यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स को रियलाइज कर सके, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सके के तब भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सके जबकि उसका रूप बदल गया हो। एक वस्तु है उसका अगर हम फॉर्म चेंज कर दें, उसको हम अगर शेप चेंज कर दें तब भी हम उस ऑब्जेक्ट को वैसा ही माने जैसे कि वो ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि शेप चेंज कर दी तो वो ऑब्जेक्ट हमारी डिफरेंट हो गई। तो अब इसमें से ये बताना है कि प्याजे के अकॉर्डिंग बताना है कि कंजर्वेशन की बेस्ट डेफिनेशन क्या है। तो जिनको आंसर पता होगा वो बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन में बताते जाइए। और जिनको नहीं पता तो चलते हैं प्याजे की कंजर्वेशन थ्योरी पर। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, ये रहा प्याजे की कंजर्वेशन थ्योरी। तो प्याजे ने जो 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे की कॉन्क्रीट स्टेट बताई थी उसकी ये खासियत है कंजर्वेशन। और उन्होंने क्या कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की हम शेप बदल दें, उसका फॉर्म बदल दें, लुक बदल दें, तो भी बच्चा उस वस्तु को पहचान सके कि हाँ इस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट का काम क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप वाटर देख सकते हैं, एक वाटर लिया, 1 लीटर पानी लिया, उसको पहले ग्लास में डाला और फिर छोटे छोटे फ्लास्क में या बाउल्स में डाल दिया। अब सीधी सी बात है, ग्लास में आप डालेंगे तो ग्लास तो लंबाई में ज्यादा होगा और वो पूरा फुल हो जाएगा, लेकिन अगर आप बाउल में डालेंगे तो बाउल क्योंकि चौड़ाई में ज्यादा होता है तो वो छोटा लंबाई में इतना ज्यादा नहीं होगा, तो भी उसमें बराबर पानी आता है। तीनों में आप देख सकते हैं कि बाउल में पानी या ग्लास में पानी हो सकता है बराबर आए, तो बच्चे को ये डिफरेंस क्लियर हो सके कि हाँ अगर हम ऑब्जेक्ट का रूप बदल दें, आकार बदल दें, तो भी ऑब्जेक्ट का काम तो वही रहेगा। अगर पानी 1 लीटर लिया है तो पानी तो 1 लीटर लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट दिखने में बड़ी लग रही है तो इसमें पानी ज्यादा है और इनमें कम है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जो कंजर्वेशन की थ्योरी है प्याजे ने दी थी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट जाएगा कि हम वस्तु को महसूस करने के लिए तब भी जबकि वे चारों ओर से मुड़े या अलग दिखाई दे, यानी कि जब उनका हम फॉर्म चेंज कर दे या उनको थोड़ा डिफरेंट लुक हो जाए उनका, तभी वो उनको पहचान पाए कि भाई हाँ यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटेड इन प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि प्याजे की थ्योरी में नहीं बताया गया। तो ये आपको करना है, यहाँ पर देखते हैं। चिल्ड्रंस गो थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे विकास की एक श्रृंखला से होकर गुजरते हैं। चिल्ड्रन एक्वायर न्यू स्किल इन दीज डेवलपमेंट स्टेजेस दैट आर विदाउट लिमिट टू व्हाट दे कैन लर्न, यानी कि बच्चे जो होते हैं हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ नए स्किल्स सीखते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती कि वो इस स्किल को किस हद तक सीखेंगे, कि 100% सीख जाएंगे, 90% सीख जाएंगे, तो उसको कोई लिमिट नहीं होती। ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी, और नन ऑफ द अबव यानी कि ऊपर में से कोई भी नहीं। तो इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि पियाजे की थ्योरी में नहीं कहा गया है। तो ये ऑप्शन आप खुद बताएंगे, बताइए कमेंट में, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, और कमेंट करके फटाफट बताइए कि इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा। चलिए देखिए, चिल्ड्रंस गो थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस बिल्कुल सही है कि बच्चे जो है एक स्टेजेस की ओर होकर जाते हैं, हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ नई स्किल बच्चे एक्वायर करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऊपर के दोनों तो सही है ना, हमें क्या बताना है जो सही नहीं है, ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से रखनी है क्वेश्चन में, कि आप ये जरूर देखें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सही है पूछा गया है या जो सही नहीं है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर गलत पूछा गया कि जो कि पियाजे की थ्योरी में नहीं है, फर्स्ट भी है सेकेंड भी है, तो इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो पियाजे की थ्योरी में ना हो। पियाजे की थ्योरी में कौन सा पॉइंट नहीं है, नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से ऊपर में से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि पियाजे की थ्योरी में ना हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। लर्निंग इन द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज पॉसिबल व्हेन, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या हम इसको शॉर्ट में कह देते हैं ZPD, ठीक है ना, क्या कह देते हैं ZPD, वाइगोत्स्की ने यह दिया था। तो यहाँ पर हमने क्या कहना है कि लर्निंग इन द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज पॉसिबल व्हेन, यानी कि ZPD के अंदर हम केवल तब सीख सकते हैं जबकि लर्नर्स डज नॉट रिक्वायर्स एनी हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी,
यानी कि बच्चे को कुछ भी सीखने के लिए किसी की हेल्प की मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। टास्क इज डिफिकल्ट टू बी डन बाय द लर्नर अलोन, यानी कि जो टास्क है, जो काम है, वो बच्चे के लिए अकेले के लिए करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। द लर्नर हैज अटेंड द नेसेसरी स्किल्स, यानी कि बच्चे के पास जरूरी स्किल है। टीचर एंड पेरेंट्स डोंट इंटरफेयर इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि लर्निंग प्रोसेस में बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में टीचर्स और पेरेंट्स दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो बताना है आपको क्या करेक्ट ऑप्शन है। इससे पहले जेडपीडी क्या होता है, ये चीज आपके लिए समझनी जरूरी है। तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या है आपका जेडपीडी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जेडपीडी है। जेडपीडी के अंदर, यहाँ पर इस थ्योरी के अंदर वाइगोस्की उसके ने 3 लेवल बताए थे। सबसे पहला लेवल ये डार्क ब्लू वाला हो गया, तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज हो जाती है, लर्नर कैन डू अनएडिड, यानी कि वो स्टेज है, वो काम है जहां पर बच्चा बिना किसी की मदद के काम कर सकता है, वो काम जो बच्चा बिना किसी की हेल्प कर सकता है। एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल नवजात बच्चा है, वो लेटने की अगर बात कहें तो वो बिना किसी की हेल्प के अपने आप से लेट सकता है। लेटाने के लिए उसको किसी के सपोर्ट की, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। एक 2 साल का बच्चा होगा, 2 साल का बच्चा अपने आप बिना किसी की मदद के चल सकता है, ठीक है। 2 साल का बच्चा बिना किसी की मदद के खुद से इंडिपेंडेंटली चल सकता है, बिना ना तो उसको किसी सपोर्ट की जरूरत है, ना उसको किसी मदद की जरूरत है, ना उसको किसी गाइडेंस की जरूरत है। इसके बाद सेकंड आपका जो लेवल आ जाता है, ये आपका फर्स्ट था, सेकंड लेवल आ जाता है आपका, जिसमें हम कहते हैं कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी जिसको कहा जाता है। लर्नर कैन डू विद गाइडेंस, यानी कि बच्चा यहाँ पर उस काम को कर तो सकता है लेकिन अकेले नहीं कर सकता, उसको या तो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, या किसी ना किसी व्यक्ति की हेल्प की, गाइडेंस की कुछ ना कुछ जरूरत पड़ेगी। अगर उसको हेल्प मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो बच्चा उस काम को कर लेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं उस काम को थोड़ा सा करने में उसको बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। तो यहाँ पर जेडपीडी के अंदर क्या होता है कि बच्चा उस काम कर तो लेता है लेकिन अकेला नहीं कर पाता, किसी ना किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें 1 साल का बच्चा हुआ तो वो चल तो लेगा, लेकिन किसी ना किसी की हेल्प की, सपोर्ट की उसको जरूरत पड़ेगी, नहीं तो क्या है, चलते चलते बीच बीच में गिरता रहेगा। कोई उसको हेल्प करेगा तब जाकर वो थोड़ा थोड़ा चलना करना सीखेगा। और थर्ड लेवल आपको आ जाता है, लर्नर कैन नॉट डू, यानी कि इस काम को बच्चा कर ही नहीं सकता, उसको कितनी भी मदद मिल जाए, कितनी भी हेल्प, कितना भी गाइडेंस मिल जाए, बच्चा उस काम को नहीं कर सकता, वो बच्चे के लेवल के बाहर है। अगर हम 4 महीने के बच्चे को ये कहें कि वो बच्चा चलना सीख जाए या चलना शुरू कर दे, तो उसको आप कितना भी सपोर्ट दे लीजिए, कितना भी उसको हाथ, उसके हाथों को पकड़ कर खींचना शुरू कर दीजिए, वो बच्चा नहीं चल सकता, क्योंकि वो उसके लेवल के बाहर है। तो जेडपीडी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जेडपीडी आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जिसके अंदर क्या कहा जाता है जेडपीडी में, कि बच्चा काम को कर सकता है लेकिन अकेले नहीं कर सकता, किसी की ना किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। यही जेडपीडी आपका पूछा गया। तो बताइए राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा। आप तो बहुत इजी हो गया आपके लिए क्वेश्चन, और आप इसका आंसर करेक्ट बता देंगे, फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही कि बच्चा जो है काम को कर सकता है लेकिन अकेला नहीं कर सकता है, सेकंड ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जाएगा। बच्चे के लिए अकेले काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसको किसी ना किसी की हेल्प की, मदद की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्टेज प्रपोज्ड बाय कोहलबर्ग इन द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जो कोहलबर्ग ने अपने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, उनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है इनमें से जो कि कोहलबर्ग ने नहीं दिया, कोहलबर्ग ने नहीं दिया। तो कोहलबर्ग की थ्योरी हमने देखी थी, उसमें लेवल भी देखे थे, ये रहे आपके सारे के सारे लेवल, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा लेवल है जो कि पियाजे की थ्योरी ने नहीं दिया है। पियाजे की थ्योरी ने जो लेवल्स दिए हैं वो ये रहे, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड, कि मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा, तो ये स्टेज तो दी हुई है। कौन सी स्टेज है ये, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन स्टेज है, तो आप इसको लेवल 1 की स्टेज 2 बोल सकते हैं। तो फर्स्ट में तो दी गई है, तो ये तो नहीं ऑप्शन जाएगा। रिलेशनशिप विद अदर, दूसरों के साथ संबंध, ये शायद कुछ नहीं दी गई, पढ़ी ही नहीं, इसको होल्ड पर रखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन को, थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट, यानी सामाजिक अनुबंध और सामाजिक अधिकार, तो ये भी स्टेज इन्होंने दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पर लेवल 2 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 2 में भी देख सकते हैं, और लेवल 3 के अंदर भी देख सकते हैं। लेवल 3rd में भी आ जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने खुद की सोच बनाना शुरू कर देते हैं। उनको क्या, कोई ऐसा रूल्स भी होता है कि जो समाज में चल रहा है लेकिन उनके लिए अगर गलत है, तो वो कहीं ना कहीं उसको ये कहते हैं कि भाई हाँ ये रूल गलत है, ये चेंज होना चाहिए। दहेज प्रथा अगर समाज में चल रही है तो ये गलत है, ये चेंज होनी चाहिए। तो व्यक्तियों के खुद के नियम बनने शुरू हो जाते हैं, खुद के उनके लाइफ के वसूल असूल बन जाते हैं, जिसको कहते हैं ना मेरी लाइफ मेरे असूल है, माई लाइफ माई रूल, तो वो वाला चीज हो जाती है। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ये भी दिया हुआ है लेवल 3rd के अंदर ही है, स्टेज नंबर 6, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी है लेवल 3rd।
और स्टेज सिक्स, ये आपका आएगा लेवल थर्ड, स्टेज फाइव। तो ये तो है आपके, तो राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा कि जो आंसर नहीं है, कौन नहीं है, सेकंड, दूसरों के साथ संबंध, ये वाला आपका कोहलबर्ग थ्योरी ने नहीं दिया है, तो यही आपका राइट ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट अबाउट कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि जो कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है उनके कुछ स्टेटमेंट को कंसिडर करो, यानी कि देखते हैं क्या स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहला है, द फियर ऑफ बीइंग पनिशमेंट फॉर अ रॉन्ग डीड एंड ट्राइंग टू रिवर्स इट सीक्रेटली इज प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि बच्चों को सही काम के लिए रिवॉर्ड देना, गलत काम के लिए पनिशमेंट देना ताकि वो उस गलत काम को ना करे, ये कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग प्री कन्वेंशनल लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉलोइंग द एस्टेब्लिश कोड ऑफ कंडक्ट और नॉर्म्स बाय द चिल्ड्रन इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि कुछ कोड एंड कंडक्ट है, कुछ नियम है, कायदे कानून है, उनको फॉलो करना, ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। तो अब ये बताना है कि इन दोनों के दोनों पॉइंट्स में से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग अजम्पशन है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि गलत है। तो देखिए, बच्चे को अगर हम डर के माध्यम से करा रहे हैं, लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल है, बिल्कुल करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड के अंदर अगर बात करें तो कि बच्चा एस्टेब्लिश कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है, तो ये क्या पोस्ट कन्वेंशनल है, तो ये आपको देखना है। यहां पर आप देखिए बच्चे के द्वारा, बिल्कुल सही है आपका, ये भी करेक्ट है कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है कि बच्चे खुद के नियम कायदे कानून, खुद के उसूल बनाना शुरू कर देते हैं, और यही चीज यहाँ पर लिखा है कि बच्चे के द्वारा स्थापित आचार संहिता, कि वो अपने उसूल अपने अकॉर्डिंग करता है कि मेरे हिसाब से गलत है तो मैं काम को नहीं करूंगा, चाहे पूरा समाज इस काम को कर ले, तो वो वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ये भी है बिल्कुल, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, कोई भी अजम्पशन इसमें गलत नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें जाएगा, नीदर वन और नोर टू, दोनों ही ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि रॉन्ग हो, गलत हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट सपोर्ट्स द बेस्ट वे अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रंस, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा तरीका ऐसा है जिससे कि बच्चे में बहुत ही अच्छी तरीके से मॉरल वैल्यू को हम इंस्टिल कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। इन्वॉल्व चिल्ड्रंस इन द डिसीजन ऑफ मॉरल इश्यूज, यानी कि जो भी नैतिक मुद्दे हो उनमें बच्चे को डिस्कशन में इन्वॉल्व करो, शामिल करो। सब्जेक्ट चिल्ड्रन टू रिलीजियस टीचिंग एंड प्री एचिंग, यानी कि बच्चे को धार्मिक शिक्षा के उपदेश दो, उनको धार्मिक शिक्षा दो, रिलीजियस एजुकेशन दो। लीव द चिल्ड्रन टू लर्न ऑन देयर अबाउट मॉरल बिहेवियर, यानी कि बच्चों पे छोड़ दो, वो अपने आप नैतिक बिहेवियर को सीख जाएंगे। उनके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स बना दो, तुम्हें ये करना ये नहीं करना है, बच्चे अपना मॉरलिटी की ओर जाएंगे। तो बताइए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो देखिए, जब भी ऐसा कभी कोई ऑप्शन आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चा क्या है, भगवान है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, और उसके साथ हम कभी भी मारने पीटने डराने धमकाने इस तरीके का कोई भी ऑप्शन कभी भी सही नहीं जाएगा, हमेशा गलत होगा। तो बच्चे को स्ट्रिक्टली रूल्स के लिए फॉलो कर दे, बाउंड कर दे, बांध दे, डराए धमकाए, तो बिल्कुल गलत होगा। बच्चों पर छोड़ दे कि बच्चा अपने आप जैसे करेगा कर लेगा, तो ये भी गलत है ना, सेंस नहीं बनता है। मोरालिटी खुद की नहीं बनेगी, टीचर की मोरालिटी, तो ये भी गलत होगा। बच्चे को धार्मिक शिक्षा दे, धार्मिक शिक्षा देने से बच्चे का मोरालिटी मोरालिटी अच्छी हो जाए, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, ये कंपल्सरी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं जाएगा। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि आप बच्चे को डिस्कशन में शामिल करो, उससे क्या होगा कि आपको बच्चे की थॉट्स पता चलेगी, बच्चे का माइंडसेट पता चलेगा, ठीक है ना। बच्चे के माइंडसेट का पता चलेगा तो कहीं ना कहीं आप उसको समझा सकते हैं, आप उसको क्लियर कर सकते हैं, उसके माइंडसेट को उसको सही तरीके से, उसको जो है अच्छी बातें सिखा सकते हैं, अच्छे तरीके से बिहेव करना सिखा सकते हैं, उसके थॉट्स में जो गलत है उसको सही कर सकते हैं। अब जब आपको खुद ही नहीं पता कि बच्चे का क्या सोचता है क्या नहीं, तो आप उसको कितना ही समझाते रहिएगा कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे जरूरी क्या है कि आप बच्चे को इन्वॉल्व करो, और बच्चे का इन्वॉल्व होना, बच्चे का एक्टिव होना, ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है किसी भी चीज़। अगर बच्चा किसी काम को खुद से एक्सप्लोर कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है, खुद से एक्टिव है, उस चीज में इन्वॉल्व है डिस्कशन में, तो ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है कोई भी चीजें सिखाने का, करने का। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। विच वन ऑफ द गिवन ग्राफ्स डिस्क्राइब्स द स्कीमा इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे अकॉर्डिंग टू पियाजे, यानी कि पियाजे के अकॉर्डिंग जो स्कीमा उन्होंने शब्द दिया था, तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि स्कीमा वर्ड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो ग्राफ को देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। सबसे पहले ग्राफ में यहाँ पर ये देखिए कि नीचे आपको कुछ हिंट्स दी हुई है कि जो आपके प्रॉपर लाइनिंग बनी हुई है उसका मतलब है कि पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि आपको जो भी अनुभव है, और जो डॉटेड लाइन बनी हुई है वो है आपका ज्ञान।
तो देखिए अनुभव और ज्ञान की जहां तक बात करें तो एक सिंपल सी कॉमन सी बात ये है कि जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस अनुभव भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा आपको कुछ ना कुछ नया अनुभव मिलता रहेगा, वैसे वैसे आपका ज्ञान भी बढ़ता रहेगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहेगी। तो दोनों चीजें काफी हद तक पैरेलल वे में चलती हैं, एक साथ चलती हैं, साथ साथ नॉलेज बढ़ेगी तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, समांतर चलती हैं। तो यहाँ पर ग्राफ में देख लीजिए आपका आधा जो क्वेश्चन है वो यहीं पर कवर हो जाएगा। तो देखिए ऐसी कौन सी लाइन है जो कि पैरेलल चल रही है, तो देखिए दो चीजें हैं, या ये भी पैरेलल चल रही है ये भी चल रही है। अब इन दोनों में देखें तो ये तो ऑप्शन दोनों ही कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि आपकी एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा है लेकिन जो आपका नॉलेज है वो घट रही है, और ऐसा नहीं होता। जब आपका एक्सपीरियंस सबसे कम था तब आपकी नॉलेज बिल्कुल हाई पे पहुंचाई हुई थी, ठीक है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है नॉलेज आपकी घटती जा रही है। तो ऐसा कहीं होता है कि आपका अनुभव बढ़ रहे हैं लेकिन ज्ञान घट रहा है? नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। फोर्थ में जाएं तो इसमें भी कुछ कुछ ऐसे ही हो रहा है, इसमें क्या कह रखे हैं कि नॉलेज ना घट रही है ना बढ़ रही है, वो तो एक ही समान, एक ही उसमें है, एक ही पॉइंट पर क्या है, अटकी हुई है। आपका जो ज्ञान है वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, वो तो एक ही पॉइंट पर बस चलते जा रहे हैं, लेकिन जो आपकी एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो जो है बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं बीच में यहाँ पर बढ़ना बंद हो गया, लेकिन अनुभव चाहे बढ़ रहा है चाहे रुक रहा हो, आपका जो नॉलेज है ज्ञान है वो एक ही दिशा में रुका हुआ है, बस अटका हुआ है कि, तो ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फर्स्ट और थर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया नॉलेज और एक्सपीरियंस आपका साथ साथ बढ़ता है, तो दोनों चीजें पैरेलल है। अब इन दोनों में से देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या बात बताई हुई है कि आपका जो स्कीमा है वो बढ़ ही नहीं रहा है, आपका जो स्कीमा है वो बढ़ ही नहीं रहा है, आपका जो है कह सकते हैं कि नॉलेज आगे ही जा रही है, बढ़ रही है, एक्सपीरियंस आपका बढ़ रहा है, लेकिन आपका स्कीमा वही क्यों नहीं है? जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, तो उससे आपकी स्कीमा में ही तो वो चीजें स्टोर होंगी, आपके ब्रेन में तो स्टोर होगी, तो स्कीमा भी तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर स्कीमा जो है वो वही की वही रुका हुआ है, तो ये भी गलत जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो है अनुभव बढ़ रहा है, अनुभव के साथ साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्कीमा भी बढ़ता जा रहा है, आपका अनुभव भी बढ़ रहा है, ज्ञान भी बढ़ रहा है, स्कीमा भी बढ़ रहा है, दोनों तीनों चीजें साथ साथ बढ़ रही है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो 11th क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। आई होप अभी ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और फिर भी रहे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको भी क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ये रहा, ये भी ग्राफ से रिलेटेड है। इसमें हमें क्या बताना है कि ग्राफ बिलो आर इंडिकेटेड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इनके जो नीचे के ग्राफ है ये बच्चे के मानसिक स्तर को दिखा रहे हैं। हमें एक प्रॉपर ग्राफ करना है पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि प्रॉपर सही ग्राफ क्या है, तो वही सेम चीज ही है, ऊपर वाला है, बस थोड़ा सा ग्राफ का पैटर्न चेंज करते हैं, बाकी चीज वही है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और अनुभव के बारे में बात हो रही है। आप यहाँ पर देखेंगे तो तीन चीजें थी, ज्ञान, अनुभव और आपका स्कीमा, तीनों चीजें एक साथ बढ़ती हैं ये हमें पता है, लेकिन यहाँ पर स्कीमा का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और आपका अनुभव बढ़ रहा है कि जैसे जैसे आपका सेंसरी अनुभव यानी कि संवेदनात्मक अनुभव, या सिर्फ आप कंफ्यूजिंग करने के लिए डाल दिया आपका ताकि आप कंफ्यूज हो सके, सिर्फ जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ रहा है वैसे जैसे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, ये चीज हमें पता। तो देख लीजिए कि कौन सा ग्राफ ये कह रहा है। अगर हम फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो नॉलेज तो है बढ़ी हुई, ठीक है, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो तो धीरे धीरे हम आगे की तरफ जा रहे हैं या बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपकी नॉलेज है वो धीरे धीरे घट रही है, नीचे की तरफ आ रही है। जो आपका अनुभव है वो बढ़ रहा है लेकिन जो आपका ज्ञान है वो घट रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर अगर सेकेंड ग्राफ की बात करें, सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं तो नॉलेज तो बढ़ती जा रही है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं बढ़ रहा, एक्सपीरियंस आप वहीं पर रुके हुए हैं। जब आपका ज्ञान बढ़ रहा है तो अनुभव ऐसा वहीं की वहीं क्यों रह सकता है, नहीं रहेगा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर फोर्थ ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए आपका अनुभव तो बढ़ता जा रहा है, एक्सपीरियंस तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन नॉलेज जो है यही की यही टिकी हुई है इसी पॉइंट पर, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन बचता है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी नॉलेज भी बढ़ती जा रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जा रहा है, दोनों चीजें साथ साथ बढ़ती जा रही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी आई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मयंक अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, क्लास 4 का बच्चा है, कैन प्ले गेम्स ऑन सेलफोन विदाउट एनीबडी हेल्प,
यानी कि वो सेलफोन में गेम्स खेल सकता है बिना किसी मदद के, लेकिन ही इज एबल टू ओपन अ वर्ड फाइल ऑन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ हिज फादर ओनली। लेकिन अगर कंप्यूटर में वर्ड फाइल खोलनी हो तो वो सिर्फ अपने पिता की मदद से ही खोल पाता है। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ ऑप्टिमल डेवलपमेंट, इष्टतम विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, रीजन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेवल डेवलपमेंट, तुच्छ विकास की अवधारणा। तो बताना है आपको कि क्या जाएगा। अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, वाइगोत्स की थ्योरी के बारे में। तो बताइए, एक काम वो है जो बच्चा खुद कर सकता है और एक काम वो है जो किसी की हेल्प के साथ कर सकता है, तो बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही, करेक्ट ऑप्शन ये कहलाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कहा था। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। विद रेफरेंस टू प्याजेस की आइडियाज, प्याजे की जो प्रमुख विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग द प्रोसेस बाय विच पर्सन्स टेक मटेरियल इनटू देयर माइंड्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, व्हिच मे मीन चेंज द एविडेंस ऑफ देयर सेंसेस टू मेक इट फिट, इज कॉल्ड फिक्सेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्शन। फिक्सेशन, समावेश या आत्मसातीकरण, समष्टिकरण, अनुकूलन। फिर से वही आ गया, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर एसिमिलेशन है तो कहीं ना कहीं ये लिखा होगा कि बिल्कुल एज इट इज उठा लिया, अपना लिया बिना किसी चेंज के, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई लॉजिक लगाए। और अगर एकोमोडेशन होगा तो कहीं ना कहीं लिखा होगा कि हमने कुछ चेंज किया है, कुछ मॉडिफाई किया, कुछ एडजस्ट किया है, ठीक है ना, कुछ हमने लॉजिक लगाया। तो देखते हैं कुछ है क्या यहाँ पर। जी मिल गया बिल्कुल, कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमने अपने माइंड में, यानी कि अपने ब्रेन में, स्कीमा में हमने कुछ नया मेटेरियल ऐड किया है, विच में मीन, जिसका मतलब ये है कि हम अपने कुछ एविडेंस में, सेंसेस में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें हमारे मतलब का शब्द मिल गया, वर्ड मिल गया, और वो वर्ड है क्या है कि चेंज कर रहे हैं हम कुछ ना कुछ, ताकि हम उसको एडजस्ट कर सके, फिट कर सके। तो क्या होगा ऑप्शन? बिल्कुल सही, एक साथ बोलना है, वो होगा एकोमोडेशन, समवस्टीकरण। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो क्या होता है कि आते हुए भी क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, फिर आने के बाद जब क्वेश्चन चेक करते हैं तब पता चलता है ओहो ये तो गलत पढ़ा गया, ये तो आंसर गलत हो गया। नॉट करेक्टली यानी कि गलत कौन सा है वो बताना है। प्री ऑपरेशनल स्टेज बताया था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीकरण की दिक्कत होती है कि नहीं होती है, ये चीज हो जाता है। प्री कन्वेंशनल लेवल एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ मोरालिटी, यानी कि प्री कन्वेंशनल में नैतिकता का बाहरी नियंत्रण होता है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी रिलेशनशिप विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ संबंध से रिलेटेड है। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कि इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट जाने वाला है। तो बताइए इसका आंसर, आप खुद बताएंगे और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए फटाफट कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट जाने वाला है। जी बिल्कुल सही, आपका इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये जो पेयर है वो गलत है। मोरल डेवलपमेंट में कहीं भी रिलेशनशिप विद अदर से कोई भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपनी खुद की नैतिकता का मतलब है। रिलेशनशिप विद अदर का जो बात की गई थी वो वाइगोत्स्की ने की थी, कि जितना ज्यादा हम किसी दूसरे मिलेंगे, करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे जितना ज्यादा, ये पेन थोड़ा सा पतला ले लेते हैं यहाँ पर जो रिलेशनशिप विद अदर की बात है ये किसने की थी? वाइगोत्स्की के थ्योरी में आप जो है कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की ने बताया था कि जितना ज्यादा हम लोगों से मिलेंगे, करेंगे, बातें करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा, कल्चरल डेवलपमेंट होगा, सामाजिक विकास होगा। लेकिन मोरल डेवलपमेंट के अंदर ऐसा कोई भी बात नहीं की गई थी, तो आपको खुद का नैतिक स्तर है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट सॉरी गलत है। फर्स्ट और सेकेंड आपके करेक्ट है। प्री ऑप्शनल, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो सेंट्रेशन से जुड़ा हुआ है, कन्वेंशनल लेवल में बच्चे की मोरालिटी में बाहरी रूप से कंट्रोल होता है, कि बच्चे को सिर्फ डर होता है, ओबे होता है कि भाई बच्चे बड़ों की बात को फॉलो करना है, या अगर ये काम करा तो पनिशमेंट मिलेगी, ये काम करा तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो इस चीज से बच्चे की मोरालिटी को कंट्रोल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट जाए। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं? शिशिर मेहता डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर एंड एक्सपेंसेस, यानी कि जो शिशिर मेहता है वो कानूनी प्रक्रिया और खर्चे के बाद भी अपना आयकर का भुगतान नहीं करते। उन पर केस चल रहा है, उन पर लीगल प्रोसीजर चल रहा है, उनके खर्चे हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। खैर
क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका मानना यह है कि वो करप्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहते, कि जो गवर्नमेंट है वो करप्ट है, भ्रष्टाचार है, वो पैसे लेकर उसको सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। तो करप्ट गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट नहीं करना है, तो उनको सपोर्ट ना करने का उन्होंने तरीका क्या निकाला कि इनकम टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये शिशिर मेहता है, कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग कौन से मोरालिटी पर है? तो हमें यह बताना है, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, कानून व्यवस्था नैतिकता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, नन ऑफ द अबो, अपरक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जिसको पता है वो आंसर बताइए, जिसको नहीं पता तो हम यहाँ पर एक बार मोरालिटी लेवल की ओर जाते हैं। देखिए यहाँ पर कोहलबर्ग ने 6 स्टेजेस बताई थी, एक एक करके फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इन सभी स्टेजेस को, और फिर देखते हैं कि कौन सी स्टेज हमारे क्वेश्चन से मैच करती है। लेवल 1 इन्होंने बताया था प्री कन्वेंशनल का, जिसमें क्या कहा कि बच्चे की जो मोरालिटी होती है वो एक्सटर्नली कंट्रोल होती है, बाहर से कंट्रोल होती है। इस स्टेज में बच्चा जो है लगभग लगभग 6 साल से छोटा होता है, जन्म से 6 साल तक। अब बच्चे को इसमें खुद में समझ नहीं होती इतनी कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, किसके साथ कैसे बिहेव कर, बच्चे को खुद को नहीं पता। जैसा पेरेंट्स कहेंगे वैसा बच्चा करेगा, क्या करेगा? ओबीडियंस, उसको बच्चे जो है अपने माता पिता की आज्ञा मानेगा। अगर पेरेंट्स ने कहा कि ये काम करो तो बच्चे कर देगा, ये कहा कि ये काम नहीं करना तो बच्चा उस काम को नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर किसी काम को करके आया बच्चा और आके घर पे पनिशमेंट मिली, बच्चा नेक्स्ट टाइम उस काम को नहीं करेगा। तो बच्चे के पेरेंट्स द्वारा उसकी मोरालिटी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पर आपका जो है आ जाता है, वो आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, जिसमें बच्चा अपना फायदा देखना लगता है कि भाई इस काम को करने से मेरा क्या फायदा है। जिस काम में उसको फायदा दिखेगा वो काम करेगा, और जिस काम में उसको नुकसान दिखेगा वो काम नहीं करेगा। या ये चीज है कि तुमने मुझे मारा तो मैं तुम मारूंगा, टिट फॉर टैट वाली फीलिंग आने लगती है कि तुमने जैसा मेरे साथ बिहेव करा मैं भी वैसा ही बिहेव करूंगा, चाहे वो बिहेवियर सही हो चाहे गलत। इसके बाद थर्ड लेवल पर आ जाता है आपका लेवल नंबर 2 और स्टेज नंबर 3। स्टेज है ये आपकी, थर्ड लेवल है 2। इसमें क्या होता है, गुड बॉय नाइस गर्ल। यहाँ पर बच्चा कहीं ना कहीं ये चीज समझने लगता है कि समाज में किस बात को अच्छा माना जाता है, किस बात को बुरा माना जाता है। इतनी समझ अब बच्चे में डेवलप हो जाती है, 7 से 11 साल का बच्चा है, उसको ये पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, किस काम को करूंगा तो मम्मी मुझे गुड बॉय कहेगी गुड गर्ल कहेगी, किस काम को करने से वो मुझे अच्छा नहीं कहेगी, तो कौन सा काम ऐसा करे जिससे कि अच्छा कहा जाता है, समाज में एक्सेप्टेबल है, ये चीज बच्चा समझना शुरू कर देता है और इसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। अपनी इमेज की चिंता हो जाती है कि मेरी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्टेज 5 की बात करें, अगर लेवल 2 और स्टेज 5 है आपकी 7 से 11 साल तक में ही, यहाँ पर क्या है, बच्चा लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना शुरू कर देता है। लॉ एंड ऑर्डर है कि हमें सिग्नल क्रॉस नहीं करना है, ठीक है ना, अगर हमने चोरी की तो हमें जेल हो सकती है। तो इस तरीके के जो नियम है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, बच्चा उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। थर्ड लेवल आता है पोस्ट कन्वर्शन, 11 साल के बाद की। इसमें जो स्टेज आपकी आती है, 5 स्टेज आपकी आती है, इसमें फिफ्थ स्टेज आती है, उसका क्या कहा जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक संविदा विज्ञान। इसमें क्या होता है कि कुछ नियम कायदे कानून ऐसे भी तो होते हैं सामाजिकता के और काफी हद तक ये जुड़ा हुआ होता है, कि इसमें कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जो समाज में गलत होते हैं, समाज पूरा फॉलो कर रहा था लेकिन समाज में गलत होते हैं नियम, तो व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग चलता है कि अगर मेरे लिए गलत है तो गलत है, मैं इस काम को नहीं करूंगा चाहे पूरी दुनिया करती रहे, कोई काम मेरे लिए सही है तो मैं उस काम को करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दहेज लेना गलत है, एक व्यक्ति के लिए दहेज लेना गलत है, तो चाहे पूरी दुनिया लेती रहे, ना तो मैं दहेज लूंगा ना गलत दूंगा, तो वो वाली बात हो जाती है कि मेरे अपने खुद के रूल्स हैं, मेरे अपने जीवन के वसूल हैं, असूल हैं, मैं उनको ही फॉलो करूंगा, उनको के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो खुद के नियम कायदे कानून बच्चा बनाना शुरू कर देता है। और लास्ट स्टेज आती है, वो आते हैं यूनिवर्सल एथिकल, कि यहाँ पर व्यक्ति अपने बारे में साथ साथ दूसरे के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। यानी कि अगर लॉ एंड ऑर्डर में कुछ ना कुछ कमी है, अगर देश में कुछ कमी है, तो उसमें क्या होता है कि वो लोगों की भलाई के लिए भी काम करना शुरू कर देता है, उसके खिलाफ जाना शुरू कर देता है। अब चाहे उसके लिए उसको जेल हो, चाहे उसके लिए उसको सजा मिले, चाहे सारी दुनिया उसके लिए खिलाफ हो जाए, अगर कुछ गलत है वो उसके खिलाफ खड़ा रहेगा और लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी आंदोलन होते हैं, मूवमेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एथिकल के प्रिंसिपल पर ही चलते हैं, कि एक व्यक्ति को लग रहा है कि भाई ये नियम जो है देश में ये गलत है, ये नियम जो है देश में ये गलत है, इसको बंद होना चाहिए, अब वो उसके खिलाफ अनशन करना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। अपने अलग अलग तरीके होते हैं उसका जो है विरोध करने के लिए। अब चाहे उसका विरोध करने में उसको व्यक्ति को जेल हो जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता, क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि भाई मैं सबके लिए करूँ। तो ये होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो शिशिर मेहता है, वो भी तो कुछ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि
गवर्नमेंट करप्ट है, मुझे उसका विरोध करना है, तो यहाँ पर चाहे मुझे जेल हो जाए, चाहे मुझे एक्सपेंसेस खर्च करना है, चाहे कुछ भी होना है, लेकिन मैं उसका टैक्स जो है वो पे नहीं करूँ। तो यहाँ पर कौन सी स्टेज आ जाएगी? स्टेज थर्ड, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन के अंदर इसमें आपका आ जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो पियाजे थ्योरी के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। सिंपली सिंपली शब्दों में समझिए, पियाजे थ्योरी के अकॉर्डिंग गलत बताना है। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करना, ये तो सही है ना, पियाजे ने कहा था कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है। सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, यानी कि बच्चे के सीखने की तत्परता पर हमें ध्यान देना है। अगर बच्चा सीखने के लिए रेडी है वो ज्यादा अच्छे से समझेगा, और रेडी नहीं है तो वो कम अच्छे से समझेगा। डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी से सीखना, यानी कि बच्चे को जो है डिस्कवरी करने का मौका दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा खोज करने का मौका दिया जाए, जब बच्चा खुद डिस्कवरी करेगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता, यानी कि जो है लेक्चर मेथड के थ्रू बच्चे को पढ़ाए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो कि पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो देखिए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा पियाजे की थ्योरी में नहीं कहा। पियाजे ने कभी भी वर्बल टीचिंग को, लेक्चर मेथड को जो है सपोर्ट नहीं किया है। उन्होंने ऐसे मेथड्स को सपोर्ट किया है जो कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, जिसमें बच्चे एक्टिव हो, जिसमें बच्चे डिस्कवर कर सके, एक्सप्लोर कर सके, बच्चे रेडी हो, तैयार हो सीखने के लिए, हर बच्चा अपनी अपने अकॉर्डिंग सीख सके। तो वो चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पियाजे ने कभी भी वर्बल टीचिंग पर फोकस नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, लेव वाइगोत्स्की, यानी कि एक टीचर ऐसे हैं जो लेव वाइगोत्स्की में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो ये बताना है कि वो कौन से मेथड को फॉलो करेंगे। अब सीधी सी बात है, वो लेव वाइगोत्स्की को में अगर विश्वास रखते हैं तो वो उन्हीं के मेथड को फॉलो करेंगे। तो बताइए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, यानी कि मिलकर जो है कोई प्रोजेक्ट देना, बच्चे मिलकर आपस में कोलैब करके एक दूसरे के सहयोग के साथ उस काम को करें। फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस, यानी कि तथ्य के आधार में बच्चे को क्वेश्चंस को रटा दिया जाए। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, बच्चे को इस टेस्ट लिए जाए, स्टैंडर्ड टेस्ट लिए जाए, और बच्चे को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दिए जाए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, या वाइगोत्स्की के फॉलोअर्स उसको यूज करेंगे। तो बिल्कुल करेक्ट, कोलैबोरेटिव। वाइगोत्स्की ने इंटरेक्शन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया कि बच्चा जितना इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, आपस में दूसरे की हेल्प करेगा, उतना ही ज्यादा बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होगा। तो कोलैबोरेटिव में भी तो यही चीजें हैं, बच्चा ज्यादा से ज्यादा आपस में मिलेगा, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो उनमें सोशल फीलिंग्स डेवलप होंगी, आपस में इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो यहाँ पर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट को वो फॉलो करेंगे। रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं आना है, ऑब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ही कॉग्निटिव थ्योरी को हमें बताना है कि उसका फर्स्ट स्टेज क्या है, या प्राइमरी रीजन क्या है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स पेयरिंग, यानी कि प्रोत्साहन प्रतिक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसआर थ्योरी, सोशल इंटरेक्शन, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना, सामाजिक अंतःक्रिया जिसको कह सकते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमा, मानसिक स्कीमा को समायोजन करना, इक्विलिब्रेशन, संतुलन। तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है? तो बताइए करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए जो आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, एसआर थ्योरी है, ये तो थोंडाइक ने दी थी, और लर्निंग थ्योरी दी थी, डेवलपमेंट थ्योरी तो ये है भी नहीं, थोंडाइक ने दी थी। जो आपका मेंटल स्कीमा की बात है, एडजस्टमेंट की बात है, ये आपके पियाजे ने दी थी, ठीक है। इक्विलिब्रेशन भी पियाजे ने ही बताया था, ये जो वर्ड है ये भी पियाजे की थ्योरी में ही आता है। सोशल इंटरेक्शन है जो कि वाइगोत्स्की ने दिया था, जहां भी इंटरेक्शन की बात हो तो मतलब कहीं ना कहीं वाइगोत्स्की कनेक्टेड है उससे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा क्योंकि वही पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल थ्योरी, यानी कि जो कोहलबर्ग ने मॉरल थ्योरी की स्टेजेस दी हैं उनके अकॉर्डिंग, अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रेस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉल्स, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट, कि अगर आप ईमानदार रहे तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, तो इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये जो मोरालिटी लेवल है कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग कौन से लेवल, कौन से स्टेज में आपका पड़ता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध विकास, पनिशमेंट ओबिडेंस, यानी कि आज्ञा पालन करना है, सजा मिलनी है, गुड गर्ल गुड बॉय, गुड गर्ल गुड बॉय हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर की तो यहाँ पर कोई बात नहीं है,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बच्चा खुद के नियम कायदे कानून बनाता है, तो यहाँ पर खुद के नहीं बन रहे। पनिशमेंट यहाँ पर कुछ नहीं मिल रही, यहाँ पर कोई सजा का डर नहीं दिखाया जा रहा कि तुम ये काम करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा। यहाँ पर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम गुड गर्ल कहलाओगे, तुम गुड बॉय कहलाओगे, तुम्हारी इमेज अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी तारीफ होगी, तुम्हें अप्रिशिएशन मिलेगा। तो गुड गर्ल गुड बॉय का यहाँ पर ओरिएंटेशन चलता है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम टोटल 125 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आएंगे। इन 125 क्वेश्चन से बाहर आपको पियाजे पाइगोस की कोहलबर्ग में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये अगर आपने 125 क्वेश्चन कर लिए, इनमें से ही आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। किसी वीडियो में हम 40 क्वेश्चन भी करेंगे, किस क्वेश्चन वीडियोस में हम कम क्वेश्चन भी करेंगे। तो कम से कम 3-4 वीडियो के अंदर अंदर ही हम पूरे 125 क्वेश्चंस को जो है कवर करने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। आज आप इन 20 क्वेश्चंस को पूरा देखिएगा, अच्छे से करिएगा, इनमें कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कल की क्लास में जो है आपको उस सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।